हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर मिनी व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो सुबह की शुरुआत होती है ब्रेकफास्ट के साथ। आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था आलू का भरता, आलू का पराठा। तो मैं जब भी आलू का पराठा बनाती हूँ सो मैं गाइस बेसिकली स्टफ़ करके बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, अगर आप स्टार्टिंग में ही आलू आटा सब कुछ मिक्स कर दो ना, तो पराठे का टेस्ट भी मिक्स ही आता है। एंड स्टफ़ करके मैं बनाती हूँ क्योंकि इससे ना मुझे प्रॉपर आलू के पराठे वाला टेस्ट मिलता है। साथ में मैंने बनाया था वेजिटेबल रायता, साथ में मैं रखूँगी 2 बिस्किट्स और 1 चॉकलेट। एंड हमारा टिफ़िन होता है बिल्कुल पैक। सो गाइज़ मैं 12 बजे जाती हूँ एकेडमी, सो इसलिए मैं जो ब्रेकफास्ट में बनाती हूँ और अगर वो बच जाता है तो मैं वही लंच में ले जाती हूँ। सो अभी बज रहा है 12 और मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और अब मैं निकल रही हूँ एकेडमी के लिए। तो चलिए चलते हैं। सो गाइज़ आज का मौसम बहुत अच्छा था एंड ऐसे मौसम में जब आप स्कूटी से जाओ ना तो बड़ा ही मज़ा आता है, मतलब ठंडी ठंडी हवा। बट डेली की अगर मैं बात करूँ ना तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है एंड मेरे घर से मेरी एकेडमी की जो डिस्टेंस है वो है 30 मिनट्स, मतलब पूरा जल जाती है बॉडी जाते में। सो अभी मैं आ चुकी हूँ एकेडमी एंड एकेडमी में वीडियो शूट करना अलाउ नहीं है, बट मैं छोटी छोटी क्लिप्स ले लेती हूँ आप लोगों के लिए। सो गाइज़ आज था मेकअप का एग्ज़ाम, सो आप देख सकते हो ये सारी मॉडल्स थी एंड मैम इनको बता रही थी आप इस तरह से वीडियो शूट करो, इस तरह से पोज करो। एंड गाइज़ ये है मेरा हेयर का क्लास और आज हमारा जो दिन था ना वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला था, बिकॉज़ आज बहुत सारा काम करना था हम लोगों को। सो आज हमने स्टार्ट करा प्रैक्टिस से, आज हमें करना थी स्मूदनिंग की प्रैक्टिस। तो बेसिकली एक मॉडल पे 4 से 5 लड़कियां प्रैक्टिस करती हैं एंड उसके बाद हम लोगों ने करी कलर की प्रैक्टिस, जिसमें एक मॉडल के हेयर पर हम लोगों ने किया था क्रेजी कलर जो कि बहुत ट्रेंड में है, एंड दूसरी मॉडल के हेयर पर किया था रेड कलर के हाईलाइट्स जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। सो अभी क्लास हो चुका है ओवर और आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं निकल रही हूँ घर के लिए। और सबसे पहले मैंने घर पहुँचते ही खाई मेरी फेवरेट ओरियो आइसक्रीम, बिकॉज इतनी ज़्यादा गर्मी है ना बाहर कि आप जो भी ठंडा खा लो जो भी पी लो कुछ असर ही नहीं करता है। सो गाइज़ मुझे आइसक्रीम खाता देखिए लालची बिल्ला भी मेरे पास आके बैठ गया, जैसे वो लालची वाले बच्चे नहीं होते ना किसी को भी कुछ खाते हुए देखते हैं तुरंत उनके पास जाके बैठ जाते हैं, सेम वैसी हरकतें हैं इसकी। तो अभी हम चलते हैं छत पे और यहाँ पे लगा है जामुन का पेड़। सो आप देख सकते हो अभी बहुत सारे कच्चे लगे हुए हैं, बट जो छोटे छोटे बंचेस हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हैं और आप देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं। कोई भी फ्रूट हो वो पेड़ पर जब लगा होता है ना तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड गाइज़ अगर मैं इसके टेस्ट की बात करूँ ना, जो मार्केट में जामुन मिलते हैं उससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है इसका, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। इनके टेस्ट की वजह से ही ना मेरे मोहल्ले वाले मेरे रिश्तेदारों की नज़र हमेशा मेरे घर के पेड़ पर रहती है। तो गाइज़ मुझे जितने जामुन तोड़ना थे मैंने तोड़ लिए और आज मैं इसकी बनाऊँगी जामुन पॉप्सिकल जो कि बहुत ही यम्मी बनती हैं। सो आज का व्लॉग होता है यहीं पर एंड फॉलो फॉर मोर।